नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोकिया का आइकॉनिक फोन 5310 जो है वो मेरे हाथों में है। जी हाँ, एक्सप्रेस म्यूजिक के नाम से ये जाना जाता है। पिछली बार जब आया था तो तहलका मचाया था और कंपनी ने इसी मोटिव के साथ फिर से इसे उतारा है। तो चलिए हम इस फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा है यह फोन। बॉक्स पे पीछे बहुत कुछ मेंशन है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 2.4 इंच की जो है इस डिस्प्ले है, डुअल स्पीकर, एफएम रेडियो, MP3 प्लेयर्स जो है सपोर्ट है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है और सिंगल सिम फोन जो है वो 20 घंटे तक का ये फोन जो है वो चलेगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इंटरनेट ब्राउजर, गेम्स, वीडियो प्लेयर और कैमरा जो है फ्लैश के साथ में है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अंदर में भी, क्या जो बातें लिखी हैं बॉक्स पे वो कितनी सही हैं और कितना जो है यूजेबल है। सबसे बड़ी बात है कि कितनी यूजेबल है वो देखना जरूरी होता है। तो देख सकते हैं कि ये फोन जो है हमारे पास में आ चुका है और फोन में बैटरी अभी नहीं है, लेकिन पहले बॉक्स में और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें जो है हमारे पास दी जा रही हैं। तो ये देखते हैं, यहाँ पे हम एक आपको ईयरफोन मिलेगा जो आप देखिए वही नोकिया का जो है पुराना स्टाइल चार्जर है वो चार्जर मिलेगा, उसी स्टाइल में चार्जर दिया गया है जो पहले हम देख चुके थे। और यहाँ पे जो है आपको मिलेगी बैटरी, इसके अलावा जो है वो मैनुअल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनुअल है। चलिए हम इन चीज़ों को सजा देते हैं और फिर फोन के बारे में हम जरा देखेंगे। फोन बॉक्सेस को हमने लगा दिया है, बॉक्स, बॉक्स के साथ में ईयरफोन और आपको एक चार्जर मिलेगा। इसके अलावा बैटरी जो है बाहर से है, यानी कि आप खुद से आपको बैटरी लगा सकते हैं, बैटरी डिटैचेबल है। तो हम एक बार फोन को खोल लेते हैं और यहाँ से ये पैनल खुलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि दो सिम स्लॉट जो है वो उपलब्ध है, फोन हमने खोल लिया है और यहाँ पे जो है आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट जो है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, माइक्रो एसडी कार्ड के लिए ये जगह दी गई है और दो सिम जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन एक चीज का तो हमें थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि नोकिया जो है आज भी फिर वही बड़े वाले सिम जो है वो उसके लिए जो है वो जगह उसने दिया है, यानी कि जो नैनो सिम है वो इसमें, अगर आपके पास नैनो सिम है तो नहीं लगेगा, इसमें जो है वो माइक्रो सिम का यूज हो पाएगा। जी हाँ, माइक्रो सिम का यूज इसमें जो है वो हो पाएगा, नैनो सिम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो स्लॉट दिया गया है। फोन को स्टार्ट कर देते हैं। नोकिया की ब्रांडिंग शुरुआत में ही स्टार्ट करते ही, तब तक हम जो है वो बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन की। तो आपको बता दूं कि ये जो कीपैड है वो उसी स्टाइल में कीपैड है और काफी नोकिया ट्यून आपने सुन लिया होगा। फोन अब सेटअप हो चुका है और अब हम इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी है और बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी है। वो बैक पैनल में आपको VGA कैमरा मिल जाएगा फ्लैश के साथ में और यहां से ये पैनल जो है वो खुलने के लिए, जो बैक पैनल है हमने अभी खोला था वो यहां वो जगह दी गई है। ऊपर की ओर जब आप आते हैं तो आपको मिलेगा USB के लिए केबल के लिए स्लॉट दिया गया है और यहां पे आप देख सकते हैं कि 3.5 mm ऑडियो जैक उपलब्ध है। इसी के तरह से की पैड जो है वो फ्लैट है। अब यहाँ पे आपको जो है दो डॉट्स मिल जाएंगे जो जनरली की पैड वाले फोन में देखे जाते हैं। वहीं नोकिया स्टाइल जो है वो डी पैड आप देख सकते हैं, नेविगेशन की और डी पैड जिसे हम कहते हैं नोकिया स्टाइल जो है नेविगेशन बटन डी पैड जो है यहाँ पे उपलब्ध हुआ गया है। गो टू मेन्यू और कैमरा बटन जो है आपको शॉर्टकट कैमरा के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा पावर आप देख सकते हैं, जो कॉल कट करने के लिए बटन है वो यहाँ पे मिल जाएगा और पावर बटन का भी यही यूज होता है और कॉलिंग के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो दो स्पीकर दी गई है। कंपनी ने कहा था कि इसमें जो है आपको डुअल जो है स्पीकर मिलेगा और जो काफी अच्छा है। म्यूजिक क्वालिटी भी हम देखेंगे आगे चल करके, उसके पहले हम जरा सा बात कर लेते हैं फोन के म्यूजिक कंट्रोल्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको मिलेगा वॉल्यूम कंट्रोल का जो है वो बटन दिया गया है। क्योंकि फोन की जो बॉडी है वो ब्लैक कलर में है लेकिन इसे अलग से रेड कलर में दिखाया गया है और ये एक अच्छा फील देता है। पूरे ब्लैक से हट करके रेड जो है आपको एक अच्छा फील मिलेगा। उसी तरह दूसरी ओर जो है म्यूजिक के लिए चूंकि यह फोन है तो यहां पे आपको म्यूजिक कंट्रोल जो है वो बटन मिल जाएंगे। आप प्ले पॉज कर सकते हैं और फॉरवर्ड और रिवर्स का भी जो है ऑप्शन यहां पे दिया गया है। एक बार हम जरा मेन्यू पे चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो आपको मिल जाएगा कॉल लॉग या कॉन्टैक्ट, यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन है, फेसबुक है, अच्छी बात कही जा सकती है कि फेसबुक यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो है ब्राउजर है और देख सकते हैं मैसेजिंग है, मोबाइल स्टोर है, यहाँ पे जो है वो
आपको एप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है कैमरा, म्यूजिक के लिए एफएम रेडियो और स्नैक गेम्स, स्नैक गेम्स भी हम एक नज़र डालेंगे उस पर। और यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग में हम जाते हैं तो कनेक्टिविटी मिल जाएगा। कनेक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि इसमें वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ है लेकिन वाईफाई नहीं है, ये कमी कही जाएगी। टोन्स है, डिस्प्ले सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग में आप वॉलपेपर, बैक लाइट और ग्लैंस जो है स्क्रीन, फॉन्ट साइज, इन सबको जो है वो चेंज कर सकते हैं। और प्रोफाइल का भी जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जनरल साइलेंट बीप, जो जनरली नोकिया फ़ोन में पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा क्लॉक और यहाँ पे कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे है जो है आप देख सकते हैं काउंटर्स, वीडियो प्लेयर और कैलेंडर दिया गया है, फाइल, एक्स्ट्रास और नोट्स भी इसमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ जो है छोटे छोटे गेम्स उपलब्ध हैं, एस्फाल्ट 6 जैसे जो गेम्स इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे डूडल जंप आप देख सकते हैं कि डूडल जंप जैसे ऑप्शन हैं। तो ये तो रहा जो है एक्सप्रेस म्यूजिक के मेन्यू और जो है फीचर्स दिए गए हैं, मिल जाएंगे आपको। एक बार जरा हम म्यूजिक पे चले जाते हैं तो देखते हैं कि म्यूजिक बटन को हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से म्यूजिक स्टार्ट नहीं होता है, गो टू से आप जा सकते हैं, गो टू में सेटिंग पे आप रख सकते हैं। चलिए हम इसको अभी जो है वो पहले शॉर्टकट में देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैसेजिंग के लिए आ गया, यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट के लिए आ गया, और यहाँ पे जो है ऊपर जब आप करते हैं तो टॉर्च लाइट यहाँ पे जल जाता है, जो कि नोकिया फ़ोन में पहले से भी उपलब्ध है, पहले से ये सारे फीचर्स हम लोग देख चुके हैं। हमने म्यूजिक ऑन कर दिया है, एक बार म्यूजिक के ऑप्शंस देख लें, पहले प्ले कर लेते हैं, तब तक ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको ऑल सॉन्ग्स, फेवरेट सॉन्ग्स, इक्वलाइजर्स, काफी कुछ बदल जा रहा है, बिल्कुल जो इक्वलाइजर है वो सही तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं म्यूजिक का म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है, यहाँ म्यूजिक क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। और इसमें जो है हम देख सकते हैं कि अगर ये फोन जो है म्यूजिक के लिए है तो उस मामले में ये जो है वो काफी अच्छा है। तो देख सकते हैं म्यूजिक क्वालिटी जो है वो अच्छी है और आप जो है इससे संतोष मिलेगा, आपको म्यूजिक सुनकर के अच्छा लगेगा कि इस तरीके के फोन में इतनी अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है फोन के बारे में, नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक के बारे में कहा जा सकता है कि फोन जो है वो अच्छा है, एज अ फीचर फोन अच्छा है लेकिन महंगा है। जी हाँ, महंगा है। म्यूजिक के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, कॉलिंग के लिए आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, लंबी बैटरी बैकअप के लिए लेना चाहते हैं, बैटरी बैकअप में यहाँ पे आपको जिक्र करना चाहूंगा कि 1200 एमएएच की बैटरी है और कंपनी जो है वो कहा है कि सिंगल सिम पे 20 घंटे से ज्यादा का बैटरी बैकअप देने में सक्षम है। इसके अलावा 22 दिन का जो है इसमें स्टैंड बाई टाइम है। तो बैटरी बैकअप भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है लेकिन फोन महंगा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो नोकिया का आइकॉनिक एक्सप्रेस म्यूजिक की वजह से ले सकते हैं। वहीं लेने का दूसरा रीजन नोकिया ब्रांड खुद हो सकता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। नहीं लेने का जो मेन कारण है वो है इसका 4G ना होना, वाईफाई ना होना और थोड़ा महंगा होना। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो, आप अपने कमेंट्स जरूर हमें बताएं और इस फोन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं।